Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Biostudies, and now we are taking the next topic, that is what? Fruit. After talking about the flower, हमने उसके बारे में पूरा उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और फिर कैसे उसका अरेंजमेंट होता है, दैट इज़ इन्फ्लोरेसेंस, उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं फ्रूट के बारे में। सी फ्रूट की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट का कौन सा पार्ट है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। प्लांट के पूरे पार्ट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, मैं सिर्फ फीमेल पार्ट बना रही हूँ, दिस इज़ दी फीमेल पार्ट, ओके। और इसमें जो ये स्वेलन पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड ओवरी, ओके, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा, ओके। सो ये जो ओवरी है, इस ओवरी को ही कन्वर्ट करके बाद में ये क्या बना लेता है? फ्रूट बना लेता है, ठीक है। और इस ओवरी के अंदर ही बहुत ऐसे सीडेड लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, इट्स नॉट एक्चुअली सीड, इट इज़ कॉल्ड ओव्यूल, ओके। तो यानी कि ओवरी मेक दी फ्रूट, ओके, एंड जो ओव्यूल होता है इसके अंदर वो क्या बनाता है? अल्टीमेटली सीड बनाता है। जब भी हम फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर हमें सीड मिलता है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट फ्रूट एंड सीड, ओके। नाउ दे आर वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट, वन इज़ कॉल्ड दी ट्रू फ्रूट, ओके। क्या होता है ट्रू फ्रूट? यानी कि द फ्रूट विच इज़ एक्चुअली मेड फ्रॉम दी ओवरी, जो सिर्फ ओवरी से बनता है, दैट इज़ कॉल्ड दी ट्रू फ्रूट, जैसे कि मैंगो हो गया, ओके, दैट इज़ ए ट्रू फ्रूट। नाउ सेकंड कैटेगरी होती है, दैट इज़ दी फॉल्स फ्रूट, ओके। क्या होती है फॉल्स फ्रूट? कि जो ओवरी के अलावा इन्फ्लोरेसेंस होता है, कैलिक्स का पार्ट होता है, थैलेमस प्रेजेंट होता है, अगर इनसे कोई भी पार्ट से फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड दी फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जांपल एप्पल, ठीक है। एप्पल में क्या होता है? जो थैलेमस पार्ट होता है वो ही क्या कन्वर्ट करता है? फ्लैशी पार्ट में कन्वर्ट होके, और एक्चुअली वो ही एडिबल पार्ट होता है, उसी को ही हम कंज्यूम करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ कॉल्ड दी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये फ्रूट क्या होते हैं? ये एक्चुअली ट्रू फ्रूट ही होते हैं, इसमें ओवरी ही फ्रूट बनाती है। बट क्या होता है कि इसमें ओवरी का जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो फ्रूट फॉर्मेशन करती है, बट यहाँ पे जो ओवरी है वो डायरेक्ट ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन वो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, जिसकी वजह से क्या होते हैं? जो ओव्यूल होते हैं वो सीड में कन्वर्ट नहीं हो पाते, मतलब कि वो मैच्योर होकर सीड में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो यानी कि ऐसे फ्रूट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सीडलेस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सीडलेस फ्रूट, ओके। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक पार्थेनोजेनेसिस, एंड द फ्रूट इज कॉल्ड दी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो इसमें आप जनरली एग्जाम्पल क्या होता है? दैट इज़ दी बनाना, ओके तो बनाना के अंदर आप देखेंगे आपको सीड नहीं दिखेंगे, ब्लैक डॉट दिखेंगे, वो क्या है? ओव्यूल ही है जो फुली मैच्योर होकर सीड में कन्वर्ट नहीं हो पाया, दैट शोज दी ओव्यूल, प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल, ओके। अब हम देखते हैं फ्रूट की स्ट्रक्चर। ये तो एक क्लासिफिकेशन देख लिया हमने, ओके। अगर एक फ्रूट की स्ट्रक्चर देखी जाए तो एक फ्रूट में जो आउटर मोस्ट ओवरी वॉल होती है, क्या होती है? ओवरी वॉल, ये क्या बनाती है? पेरिकार्प बनाती है, मतलब एक तरह से आप समझ लो कवरिंग। तो अगर सपोज मैं यहाँ मैंगो का एक डायग्राम बना के आपको दिखाऊं तो इसमें देखिए, हाँ, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ओके। नाउ इस पेरिकार्प में भी तीन स्ट्रक्चर होती है। तो फर्स्ट इज कॉल्ड दी एपिकार्प, देन मेसोकार्प, एंड द थर्ड वन इज एंडोकार्प। क्लियर, ओके। तो इसमें जो एपिकार्प होती है दैट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ फ्रूट, जैसे कि ये, ठीक है, ये क्या है? दिस इज़ दी एपिकार्प। उसके बाद जो मेसोकार्प, डिपेंड करता है फ्रूट टू फ्रूट, जैसे कि मैंगो में तो क्या है? मेसोकार्प जनरली फ्लैशी होता है। वन मोर थिंग अबाउट दी एपिकार्प, ये क्या हो सकता है? ये एपिकार्प जो होते हैं दे मे बी थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, इट मे बी सॉफ्ट और इट मे बी स्टोनी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एंड जनरली वी कॉल इट एज अ रिंड, ध्यान रखना इसको रिंड बोलते हैं, ओके। देन मेसोकार्प इज जनरली फ्लैशी पार्ट, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मेसोकार्प के बारे में जो फ्लैशी पार्ट होता है, दिस इज एक्चुअली द एडिबल पार्ट, जो ये वाला है पूरा मेसोकार्प। ओके फाइन। अब ये डिपेंड करता है फ्रूट कैसा है। जैसे कि मैंगो में जो मेसोकार्प होता है वो क्या होता है, फ्लैशी जूसी होता है, फाइन। और उसके अंदर जो यहाँ पे है दैट इज द एंडोकार्प, ओके। एंड एपिकार्प जो होती है आउटर मोस्ट रिकवरी होती है, और इसके अंदर ये क्या है, दिस इज दी सीड, ओके फाइन। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे दैट इज प्लम। प्लम में क्या होता है, जो एपिकार्प होता है एज वेल एज दी मेसोकार्प, ये दोनों ही क्या होते हैं, एडिबल होते हैं। मैंगो में सिर्फ मेसोकार्प जो है वो एडिबल होता है, ओके। बट प्लम यानी कि क्या, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, बेर। बेर में आपने देखा होगा कि जो एपिकार्प और मेसोकार्प है वो एडिबल होता है, ओके। एंड अगर हम बात करेंगे सपोज कोकोनट की, तो कोकोनट में क्या होता है, इसमें एपिकार्प बाहर हार्ड होता है, बट जो मेसोकार्प होता है वो कैसा होता है, इट इज़ फाइब्रस, ठीक है, आपने देखा होगा। और जो एंडोकार्प होता है वो बहुत हार्ड होता है, और इसी के अंदर क्या होता है, सीड होता है। एक्चुअली हम सीड को कंज्यूम करते हैं, और सीड के अंदर लिक्विड जो वाटर निकलता है दैट इज़ ऑल एंडोस्पर्म, ठीक है। और उसका अंदर का जो भी एडिबल पार्ट होता है वो सब क्या है, एंडोस्पर्म है, तो उसको हम एक्चुअली कंज्यूम करते हैं। एंड द एंडोकार्प, दिस में ऑल्सो बी टू टाइप, थिन मेम्ब्रेनस, ठीक है, एक तो थिन मेम्ब्रेनस होता है लाइक लेमन, लेमन में ऐसा ही होता है, या फिर कैसा हो सकता है, इट मे बी थिन एंड हार्ड, जैसे कि मैंगो। इसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है थिन होता है बट हार्ड होता है, क्लियर। सो ये तीन कवरिंग होती है किसी भी फ्रूट में, ओके। नाउ फ्रूट का क्लासिफिकेशन देखते हैं, फ्रूट कौन कौन सी क्लासिफाइड होते हैं, मतलब उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। Fruit is generally divided into three category. The first is called the simple fruit, okay, and the second is called the aggregate fruit, and the third one is called the composite fruit. चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या होते हैं। सिंपल फ्रूट कौन से होते हैं, दे आर दोज फ्रूट विच आर डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर, ओके, सिर्फ एक फ्लावर से जो है वो डेवलप होते हैं। द ओवरी इन दिस फ्रूट इट मे बी मोनो और मल्टी कार्पिलरी। कार्पिलरी, डू यू नो द मीनिंग ऑफ कार्पिलरी, यानी कि जो एक पूरा पार्ट हम देखते हैं उसको हम बोलते हैं कार्पल, दिस इज द होल पार्ट, ठीक है। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसमें कार्पल बोलते हैं, फाइन। तो ये जो है कार्पल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकती है, मल्टी कार्पिलरी हो सकती है, या फिर सिर्फ एक ही हो सकता है। बट अगर मल्टी कार्पिलरी होगी तो सिंपल फ्रूट के केस में ये क्या होगी, सिनकार्पस होगी, यानी कि सारे के सारे आपस में फ्यूज़ होंगे तो अल्टीमेटली एक ही फ्रूट बनाएंगे, अंडरस्टूड, ओके। तो ये हो जाता है, फाइन। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सिनकार्पस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये फर्दर डिवाइडेड होता है दो कैटेगरी में, वन इज़ कॉल्ड द फ्लैशी फ्रूट, यानी कि उसमें जो एडिबल पार्ट होता है वो बहुत फ्लैशी जूसी होता है। एंड द अनदर वन इज़ कॉल्ड द ड्राई फ्रूट, ठीक है, जो ड्राई होते हैं। फ्लैशी में क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं वो हम देखते हैं। फ्लैशी में जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ड्रुप, देन बेरीज, बेरी, देन हो गया पॉम, देन पेपो, देन हेस्पेरिडियम। उसके बाद वन मोर एग्जाम्पल दैट इज ब्लाउस्टा। सी, जब हम डिटेल में फ्लैशी फ्रूट की बात करेंगे तब इंडिविजुअली इन सब की डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब ड्राई फ्रूट की बात करते हैं। ड्राई यानी कि इसमें जो मेसोकार्प है वो ड्राई है, फाइन। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तीन तरह की कैटेगरी होती है। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द इनडेhiscent, ओके, अनदर इज कॉल्ड द dehiscent, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द साइजोकार्पिक, ओके। क्या मतलब होता है, दहीसंट यानी कि सॉरी इन दहीसंट यानी कि ये फ्रूट जब पूरे मैच्योर हो जाते हैं तो रप्चर नहीं होते हैं, पूरा होल फ्रूट ही बना रहता है। दहीसंट यानी कि ये वाले फ्रूट क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं। और साइजोकार्पिक में क्या होता है, दे आर मल्टी सीडेड फ्रूट। तो मैच्योर होता है जब ये ब्रेक डाउन होते हैं, रप्चर हो जाते हैं और इंडिविजुअल पार्ट को हम बोलते हैं मेरिकार्प्स। और आफ्टर राइपनिंग मतलब पूरा अच्छे से जब मैच्योर हो गया तो इसमें से सीड्स फिर फर्दर बाहर आते हैं, दैट इज कॉल्ड दी साइजोकार्पिक फ्रूट। ओके, सिर्फ इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट देम ऑल्सो इन डिटेल। सो इन दहीसंट में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि इसमें हो गया सिप्सेला, ठीक है, कैरियोप्सिस, फिर इसमें एग्जाम्पल हो गया एक्नेस, ओके, देन नट एंड देन समारा। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल। दहीसंट में क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, इसमें लेग्यूम जिसको हम बोलते हैं पोड, देन द सेकेंड एग्जाम्पल इज सिलिकुआ, देन सिलिकुला, okay, then the next example is capsule, okay, and follicle. Okay, let's talk about साइजोकार्पिक। इसमें क्या क्या होते हैं, लोमेंटम, then क्रीपोकार्प, then यूट्रिकल जिसको हम कंपाउंड समारा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंड समारा, okay, then regma, and the last one is carcerulus, okay. डोंट वरी, इसको हम सबको डिटेल में बात करने वाले हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ऐसा नहीं है कि लर्न कैसे होगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अब एग्रीगेट फ्रूट के बारे में बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो डेवलप फ्रॉम द सिंगल फ्लावर बट इसमें फ्लावर्स क्या होते हैं, इट मे बी बाय और मल्टी कार्पिलरी, ठीक है, यही तो होते हैं। दिस इज ऑल्सो सेम इन दिस वन बट इसमें क्या होते हैं, दे आर एपोकार्पस, यानी कि इसमें क्या होते हैं, हर कार्पल जो है इंडिविजुअल रहती है, तो हर एक कार्पल एक फ्रूट में कन्वर्ट होगी, तो ऐसे बहुत सारा बंच ऑफ फ्रूट होगा और इसलिए ही हम इसको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट, मतलब कि बहुत सारा फ्रूट मिलकर फिर एक कंप्लीट फ्रूट बना रहा है, ठीक है। इसमें जो कंप्लीट फ्रूट है मतलब उस पूरे को हम बोलते हैं इटेरियो, ठीक है, इटेरियो, फाइन। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं लाइक इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है, फिर हो गया इटेरियो ऑफ ड्रुप, देन इटेरियो ऑफ बेरीज, ओके, इटेरियो ऑफ एक्नेस, ओके, प्लीज करेक्ट दिस स्पेलिंग, दिस इज ओनली ई, ओके, फाइन, प्लीज करेक्ट इट, ओके। तो ये सब एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट फ्रूट की, फाइन। कॉम्पोजिट फ्रूट क्या होते हैं, नाम से समझ में अगर आ रहा हो तो ये सिर्फ इन्फ्लोरिसेंस से डेवलप होते हैं। किससे डेवलप होते हैं, दे डेवलप फ्रॉम दी इन्फ्लोरिसेंस, ठीक है, कंप्लीट इन्फ्लोरिसेंस से डेवलप हो जाते हैं, ऐसे सिंगल फ्लावर से डेवलप नहीं होता है। इसमें सारे फ्लावर्स है वो सब मिलकर एक कॉम्पोजिट फ्रूट बनाते हैं। इसमें दो तरह की कैटेगरी होती है, द वन इज कॉल्ड एज साइकोनस, ओके, एंड द सेकेंड इज कोरोसिस, सोरोसिस, सॉरी सोरोसिस, ठीक है। सिकोनस में क्या होता है, कौन से टाइप के इन्फ्लोरिसेंस से ये डेवलप होता है उस पर ये डिवाइडेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे है दिस इज दी हाइपेंथोडियम, ओके, आई हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट इट हाइपेंथोडियम, अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, यू विल बी क्लियर। एंड सोरोसिस में बहुत सारे होते हैं इन्फ्लोरिसेंस, जैसे कि क्या हो गया, स्पाइक, स्पेडिक्स, कैटकैन, ये सब की मैं बात कर चुकी हूँ डिटेल में, तो आप एक बार उसको देख लो तो यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस फ्लैशी फ्रूट, ओके, इसके बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम सारे कवर करेंगे, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। If you have any doubt, please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.